हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेशन। उत्तराजारवती कोर्ट अपडेट में प्रेजेंट टाइम की अपडेट है कि सरकार की तरफ से याचिका दायर कर दी गई है। जी हाँ, देर शाम को मैंने एक अपडेट दी थी आप लोगों को कि लीगल टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। ये कैविएट उत्तरमाला प्रकरण के संबंधित 154/2020 DB का जो ऑर्डर आया उसके बचाव के लिए, या कह सकते हैं कि उससे बचाव के लिए किया गया है, और सरकार ने भी अपनी तरफ से कैविएट दाखिल कर दिया। जी हाँ, इसकी अपडेट आप लोगों ने यहाँ से देख ली होगी। नतर शिक्षक भर्ती उत्तरमाला में स्पेशल अपील पर आए ऑर्डर पर शासन से कैविएट दाखिल हो गई है और 21 मई और 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन आज थोड़ी देर में दाखिल हो रही है। और इसके बारे में न्यूज़ चैनल से भी अपडेट आप लोगों को मिल गई होगी, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि मैं वेट कर रहा था इस अपडेट को, तो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया था। जैसे ये अपडेट मिली थी मुझे, मैं वेट कर रहा था कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाए, लेकिन ये वेट काफ़ी मिनटों के बाद काफ़ी घंटों में तब्दील हो गया, इस वजह से ये वीडियो पर आना पड़ा। और कहने के बीच में वीडियो मैंने अपलोड की इसके पहले कि अमिताभ सर ने बहुत सही बात उठाई है कि 67-8, देखिए एक तरफा बात करने वाले लोग आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सही लगते होंगे, जैसे अब यहाँ पर जो लोग अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं, मैं यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड वाली बात नहीं कर रहा, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा कि भैया भर्ती हो जाए, मुझे और कोई से मतलब नहीं। जिनका चयन ना हुआ है वो चाहते हैं कि भर्ती ना हो पाए, जिनको अंक नहीं मिले हैं वो चाहते हैं कि मुझे अंक मिल जाएं, और कई मुद्दे हैं, है ना। तो व्यक्तिगत स्वार्थ से हम लोगों को ऊपर उठकर क्रियाकलाप आगे देखनी होगी। यहाँ पर देखिए अमिताभ सर ने एकदम स्पष्ट बात बोली है, इनके ट्वीट्स भी लगातार इसी बात का संदेश जाहिर करते हैं। और अभी एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को अपलोड की है, जो आज इन्होंने परिचर्चा की है, उसमें इन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो लोग फर्जी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में घुसे हैं उन लोगों को बाहर करने का काम सरकार का है, STF का है, वो उसको बाहर करें। योग्य भर्ती, मेहनत करने वाले भर्तियों का दायित्व ये नहीं बनता कि वो उन सारी चीज़ों से जाकर लड़ें। उनका दायित्व था, उन्होंने मेहनत की रात दिन एक करके, आंखें पथरा गई उन लोगों की बस इसी आशा में कि नियुक्ति पत्र दिखाकर अपने माता पिता के चेहरे पर जो कई सालों से मुस्कान नहीं आई है, आंखों में जो चमक नहीं आया माता पिता की, वो चमक वो नियुक्ति पत्र और वो प्राथमिक का विद्यालय देखकर उन माता पिता के आंखों में देखने को मिल जाए। बस इसी लालसा में बेचारे भर्ती 2 साल के लगभग दिन हो चुके हैं धीरे धीरे, और वो इसी आशा में दिन प्रतिदिन मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सही बात इन्होंने बोली है। देखिए कभी भी एक तरफा बात नहीं की जा सकती, लगातार ये बात मैं बोलता आ रहा हूँ, और ये अमिताभ सर ने एकदम स्पष्ट, अन्य चैनल वाले हैं अपनी TRP का उनको काम करना ही है, और ये एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं। जब आप कोई चीज़ सही बोलोगे तो आपको सुनने वाले देखने वाले कम हैं, और वही लोग हैं जो सॉलिड आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमेशा आपको विषम से विषम परिस्थिति में आपके साथ, भले मैं वीडियो बनाता मेरे व्यूवर्स 1000, 2000, 3000, 4000 होंगे, लेकिन ये सॉलिड लोग हैं जो लगातार फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है जो सही को सही और गलत को गलत बोलते आए हों, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुरूप होकर कोई बात नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 67-8 वर्ड यूज़ करता हूँ वैलिड, और इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें फर्जी लोग भी हैं जो काउंसिल भी पकड़े जाएंगे और अभी पकड़े जा रहे हैं STF के द्वारा। तो ये सरकार और STF की जिम्मेदारी है कि वो इस पर काम करे, योग्य अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी नहीं है। योग्य अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी थी मेहनत करना, परीक्षा में अपना परिणाम दिखाना लोगों को और चयनित होना, वो हो चुके हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि फर्जी लोगों को बाहर करे और योग्य अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देकर नियुक्ति कराए प्राथमिक विद्यालयों में। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, और उम्मीद करूँगा कि जैसा अभी तक सारा सही चीज़ होता आया बिना किसी अवरोध के, महादेव की कृपा बनी रहे सब पर, और आप सभी आगे बढ़ते जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।